कृष्णाय कृष्णभूताय तद्भूताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमाधुभक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीलाभ्र विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमाधुभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे, किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया, क्या हम लोग भगवान का नाम का सेवक है, ठाकुर जी के नाम की सेवक है। तो उसी विषय पर हम सुन रहे थे, चलो प्रभुपाद इसका उत्तर में दे रहे हैं। श्री कृष्ण नाम अखिल रसामृत सिंधु, भगवान का जो नाम है उसमें सारे, जैसे भगवान को बताया अखिल रसामृत सिंधु, सारे रस के समुद्र कृष्ण है। जिनको वेद में बताए रस वैस रसम जवायाम लब्ध्वानंद भवति, कृष्ण कौन है, संपूर्ण रस है, है? है? कृष्ण सारे रस का मूर्तिमान स्वरूप है। इसलिए कहते उसी तरह जो भगवान का नाम है उसमें भी सारे रस भगवान की नाम में भी विद्यमान है, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए यही नाम जब करते 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 जब हृदय हमें शुद्ध हो जाएगा फिर तो कृष्ण नाम इतने रस इतने रस। इसलिए बंगला में भजन है के आ नील रे कोथाई छिल रे मधुमाखा हरिना, मतलब ये भगवान का नाम कहाँ था, ये नाम को भैया लाया किसने, बोले भगवान का नाम क्या, बोले मधुमाखा हरिनाम। ये हरिनाम में बोले मिठाई 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 मिठाई, इसलिए बोले भगवान का नाम में ही सारे रस है। श्री कृष्ण नाम सच्चिदानंद विग्रह, कृष्ण जैसे सत चित और आनंदमय, कहते कृष्ण नाम भी वो भी सत्य स्वरूप है, कृष्ण का नाम भी ज्ञान स्वरूप है और कृष्ण का नाम भी आनंद स्वरूप है। श्री कृष्ण नाम श्याम सुंदर, कहते जो कृष्ण नाम है वो कौन है, श्याम सुंदर स्वयं है, कृष्ण स्वयं है कृष्ण। एक समय नारद जी अपना पिता ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले पिताजी मैंने सुना है भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। बोले हाँ, बोले मेरे को कोई प्रैक्टिकल उदाहरण दे सकते हो, बोले देखो भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान सारे रस स्वरूप है, मेरे तो केवल चार ही मुँह है, कितने ठाकुर जी के नाम की महिमा में कितना बताओ। बोले कौन बोल सकते हैं, बोले भोले बाबा के पास बोला, क्योंकि पंचमुख है राम नाम गान त्रिपुरारी, हर समय वो पंचमुख में भगवान के नाम जप करते हैं। और शंकर जी परम वैष्णव है, उनके पास में जाओ। जब उनके पास में गए बोले आप कृपा करके बताओ भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं, इसका कोई मेरे को प्रैक्टिकल उदाहरण। बोले भैया भगवान हरि अनंत हरि कथा अनंत, हम पंचमुख में भगवान के नाम की कितना महिमा बताएंगे। बोले फिर कौन बता सकता है, बोले जाओ शंकर जी के, बोले मेरे गुरु जी के पास में जाओ। बोले कौन है, बोले से अनंत देव है, जब संपूर्ण पृथ्वी को अपना सर के ऊपर में एक सरसों जैसे धारण करके रखे, उनको पास में जाओ, क्योंकि अनंत मुंह से अनंत कृष्ण की कथा अनंत नाम को अनंत मुंह में गान करते हैं, उनको पास में जाओ। अभी उनको पास में गए,
जब उनको प्रश्न किए, बोले देखो मैं भी अनंत नाम को अनंत महिमा अनंत रूप में तक गान कर रहा हूं, लेकिन अभी तक भी इसका कोई था नहीं पाया। बोले भैया फिर कौन बता सकता है? बोले धर्म राजा के पास में जाओ। धर्म राजा मतलब यम महाराज है, जो तराजू में नाप करके पाप पुण्य को सही सही विचार करके देता है, उनके पास में जाओ। जब धर्म राजा के पास में पहुंचे, बोले देखो एक काम करो, तुम दक्षिण दरवाजे में चले जाओ। बोले दक्षिण दरवाजे में क्या है? बोले वहां पर जो जैसे जैसे कर्म करता है, जब उनको वैसे वैसे सजा दे रही, उधर जाओ। उधर देखा जो मांस मछली खाने वाले व्यक्ति, उनको तो कर्त में काट रहे थे। जैसे उसने मांस को मछली को काटा था जानवर को, उसको भी ऐसे काट रहे थे, वो चीख रहे थे बचाओ और नहीं करेंगे छोड़ दो। जो शराब पीने वाले मुंह में लोहे गर्म करके मुंह में डाल रहे थे, हैं अरे भगवान तुम्हें शराब पीने के लिए दिया ना, ठाकुर का नाम जप करने के लिए दिया, इतना गंदा तुम्हें काम किया, शराब पिया हो तुमने। जो आंखों में उल्टा उल्टा गंदी गंदी चीज को देखते थे, उनका आंख निकाल रहे थे। जो हाथों में तराज में हेर फेर करने वाले, उसको हाथ काट रहे थे, हैं। इसलिए जो जैसे जैसे कर्म कर किया था, वो कर्म के अनुरूप वहाँ दंड दी जा रही थी। और वो तो चित्कार कर रहे थे, बचाओ और नहीं, बचाओ और नहीं, ऐसे ऊपर देख रहे थे। इतने में नारद जी कुंड में झांक करके जब ये दंड को देखा है ना, उन्होंने तो बोले बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताई गौर ब्रह्मानंद हरि हरि। जब उन्होंने भगवान का नाम को ग्रहण किया, और भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं, बस भगवान का नाम सुनते ही जितने सब के सब पापी थे, सब के सब उद्धार होकर के भगवत धाम को सब के सब चले गए। फिर तो जब महाराज नारद जी को बोल रहे हैं, बोले समझ गया, भगवान और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं, ये चीज को समझ गया कि नहीं? बोले कैसे? बोले ये पापी लोग कितने दंड भोग कर रहे थे। बोले हाँ, लेकिन तुमने जब भगवान का नाम को ग्रहण किया, क्या हुआ? भगवान का नाम सुनते ही सब के सब मुक्त हो करके भगवत धाम को चले गए। क्यों? हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए जो बोले ये स्वयं श्याम सुंदर है, ये स्वयं ये कृष्ण ही है, और ये जसोदा नंदन भगवान का नाम। इसलिए अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण नामेर से रसामृत मूर्ति, अखिल रसामृत मूर्ति मतलब जितने रस है, रस बार रस है, तो पांच मुख्य रस और सात गौण रस, ये पांच पांच सात ये बार रस है। कहते जितने रस कृष्ण के अंदर में, कहते कृष्ण नाम में भी ये सारे रस कृष्ण नाम में भी विद्यमान है, कृष्ण नाम में भी विद्यमान। इसलिए तो रूप गोस्वामी कहते हैं, अरे ब्रह्मा जी एक जीवा क्यों दिए हमें, करोड़ों करोड़ों जीवा क्यों नहीं दिए, बोले दो ही कान क्यों दिए, हैं करोड़ों करोड़ों कान सारा शरीर में, कान ही कान क्यों नहीं दिए। इसलिए पृथ्वी महाराज कहते बोले प्रभु मेरे को 1000 कान दे दो। बोले 1000 कान क्या करोगे? बोले दो कान में तुम्हारी कथा सुन करके मुझे तृप्त नहीं हो रहा है, मेरे को 10000 कान दे दो। बोले दो कान तो बढ़िया लग रहा है, अगर सारा शरीर भी कान ही कान अच्छी थोड़ी लगेगी। बोले नहीं प्रभु, कान तो दो ही रहे, लेकिन वो दोनों कानों में कृष्ण कथा सुनने की इतनी शक्ति दे दो जैसे 10000 कानों में कृष्ण कथा सुनने का जो शक्ति है, हैं? और कहीं की कथा जैसे चुप नहीं जाए, जहाँ जहाँ तुम्हारी कथा हो रही है मैं उतना रूप धारण करते हुए आपकी कथा सुनता रहूँ। इसलिए कहते भगवान को अंदर में जितने रस है, कहते वो सारे रस भगवान की नाम के अंदर में है, बल्कि
हरि से बड़ा हरि का नाम है। कृष्ण कितने लोगों को उद्धार किया, किसको उद्धार किया नहीं कृष्ण, राम भी किसको उद्धार किया है? वो तो अपना भक्तों को लाए, अपना भक्तों के साथ लीला किया और अपना भक्तों को लेकर वो चले गए। लेकिन अभी सत्य युग से कौन कौन जीव का हमारे उद्धार कौन कर रहा है? त्रेता युग के बाद में हमारे उद्धार कौन कर रहे हैं? द्वापर युग के बाद में हमें कौन उद्धार कर रहा है? उनका नाम ही कर रहा है, क्योंकि नाम ही हमारे उद्धार कर रहे हैं। इसलिए कहते भगवान अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण नामेर सेवाई कृष्ण सेवा। जब हम कृष्ण नाम की हम सेवा करते हैं, और कृष्ण नाम सेवा करना कृष्ण सेवा। इसलिए कृष्ण नाम करते करते एक दिन नाम स्वयं नामी रूप में, नामी मतलब कृष्ण रूप में स्वयं कृष्ण ही प्रकट हो जाते हैं हरि नाम करते करते। ऐ जने भक्तगण नाम संकीर्तन मुखे ही सतत कृष्ण सेवा करिया गुरु कृष्णेर सुख विधान करे। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग बोले श्री नाम संकीर्तन मुखे ही सतत कृष्ण सेवा करिया गुरु कृष्णेर सुख विधान करे। इसलिए भक्त लोग भगवान का नाम कीर्तन को माध्यम से क्या करते हैं, बोले कृष्ण सेवा करके गुरु और कृष्ण की सुख विधान करते हैं। लेकिन अभी ये चीज हमें अनुभूति नहीं, कृष्ण नाम साक्षात ये कृष्ण है, हैं अभी हमारी ये चीज अनुभूति नहीं। जैसे हमारे गोस्वामी लोग हरिदास ठाकुर 26 घंटा भगवान के नाम ही जप करते थे, 26 घंटा में 26 घंटा नाम जप करते थे। हमारे गोस्वामी वर्ग प्रभुपाद भी दिन में उन्होंने 3-3 लाख हरिनाम दिन में प्रभुपाद ने 12 साल तक तो उन्होंने किया है। भक्ति विनोद ठाकुर ने वो भी जिस माला में उन्होंने 7 करोड़ नाम यज्ञ किया था, 7 करोड़ नाम यज्ञ, मतलब अगर कोई दिन में 3-3 लाख हरिनाम करे कितना 12 साल करना पड़ेगा। 3-3 साल अगर लाख लाख अगर हरिनाम कोई 12 साल अगर करे फिर क्या हो जाता है, कहते उसको बाघ सिद्धि हो जाती है। बाघ सिद्धि मतलब जो बोलेगा वही हो जाएगा, जो बोलेगा वही हो जाता है। क्योंकि देखो हम लोग कभी कोई सोलमाला करते होंगे, देखना सवेरे से लेकर के शाम तक सोलमाला खत्म नहीं होता। अगर जो 1 लाख हरिनाम करता है उसको तो 6-7 घंटे लगेगा, फिर सारा दिन हरिनाम करते रहो। अगर जो 3 लाख हरिनाम करेगा तो सो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर 7 घंटा अगर सही सही करोगे 7 तिरिक 21 घंटा, अगर 6 घंटा लगेगा तो 6 तिरिक 18 घंटा है। अगर जो व्यक्ति 8 घंटा हरिनाम करेगा बताओ और कोई बात कर सकता है, उसका मुंह में और कोई बात ही नहीं निकलेगा है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे 12 साल तक 24 घंटा में 24 घंटा आप 1 लाख हरिनाम करो, देखना आप जब सोओगे ना आपको स्वप्न में भी ठाकुर जी आएंगे, स्वप्न में भी ठाकुर का नाम आएगा। क्यों? सारा दिन जो काम करोगे सोचते समय वही चीज आएगी आपके दिमाग में। अगर जो 3 लाख हरिनाम करेगा फिर तो हो गया, नाम के सिवाय और कुछ आएगा नहीं। कहते अगर ऐसे कोई 12 साल कर लेना फिर उसको जीवा में बाघ सिद्ध हो जाता है, मतलब वो जो कुछ बोल देगा वही अलीभूत हो जाता है, वही हो जाएगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, इसलिए महाप्रभु बोले परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कहते भगवत नाम का परम विजय, मतलब भगवान का नाम ही संकीर्तन ही परम विजय ते, सर्वश्रेष्ठ रूप में भगवान के नाम की जय जयकार हो। किसने प्रभुपाद को प्रश्न की, बोले कृष्णेर पूर्ण कृपा लाभेर उपाय की। कहते भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करने का क्या उपाय है? तो प्रभुपाद कहें श्री भार सभान वीर गणे रूपानुग गणे गणित हिलई कृष्णेर पूर्ण कृपा लाभ करा जाए। कहते कृष्ण कृपा तो करते हैं सबके ऊपर में, लेकिन उनकी प्रश्न है, कृष्ण तो सबको ही कृपा करते हैं, हैं? कहते एक साधारण से साधारण व्यक्ति को फिर भी कृष्ण कृपा करते हैं। जैसे उनको 5 रस है, अभी शांत रस में जो भक्ति करते हैं
जैसे उनका मुरली है, वृक्ष है, गैया है, ठाकुर उनको घर में भी कृपा करते हैं। क्या तो उनका जो दास्य रस का भक्त है, कृष्ण को भगवान और अपना को सेवक मान करके जो आराधना करते भगवान, उनको घर में भी कृपा करते हैं। कहते कृष्ण का जो सखे रस का जो भक्त है, कृष्ण को जो अपना दोस्त मानते हैं, तुम्ही कौन बड़े लोग, तुम्ही आमी समो, तू हमसे किसी चीज के बड़े हो। श्री राम कहते ना, तेरे पिताजी 9 लाख गए, हमारे पिताजी को 11 लाख गया, तेरे को मैं तो युद्ध में पछाड़ देता हूँ। इसलिए कहते कृष्ण उन्हें भी कृपा करता है, कृष्ण मैया जशोदा को गौर भी कृष्ण कृपा करते हैं। मैया जशोदा क्या करती हैं, कृष्ण को खिलाती है पिलाती है, गोद में लेकर सोती हैं, उनका लालन पालन करती हैं, कभी उखल में बांध देती हैं, प्रेम में वशीभूत होकर के बोले कृष्णा उनको भी कृपा करते हैं। लेकिन कृष्णा गोपियों को ऊपर होने पर भी वहां पर भी 3 तरह का गोपियां हैं, एक तटस्थ, एक स्वपक्ष और एक विपक्ष। विपक्ष मतलब है जो चंद्रावली दल है, जो केवल कृष्ण का सुख में सुखी है। तटस्थ मतलब जो कृष्ण को भी प्रेम करने वाले और श्री राधा रानी को भी प्रेम करने वाले हैं। कहते दोनों पक्षों को, जैसे ललिता विशाखा आदि सबके सब, कहते एक कुछ ऐसे यहाँ पर कहते कृष्ण का पूर्ण कृपा किसको पर होता है, कहते कृष्ण कृपा, कृष्ण का पूर्ण कृपा उसको ऊपर होता है जो बारसवान वीर गणी, मतलब राधा रानी की गण में गणित तो होकर के रूपानुग गणेर गणित तो ले कृष्ण पूर्ण कृपाल करा जाए। जब से रूपानुग अनुगत में, रूपानुग मतलब रूप गोस्वामी के अनुगत में, रूप गोस्वामी का अनुगत मतलब कहते इनकी कृपा होने पर तब से राधा रानी की कृपा होती है। ये राधा रानी के द्वारा पालित है, राधा रानी इनको लालन पालन करती हैं। कहते इनकी आनुगत्य में सेवा करने पर तभी पूर्ण कृपा कृष्ण की मिलती है। कहते रूपानुगवर श्री गुरुपाद पद्मेर पद धूलि वा किंकर हई थे पारी ले सही सौभाग्य लाभ करा जाए। कहते श्री रूपानुग धारा में जो लोग श्री गुरुपाद पद्म की है आनुगत्य में, कहते अगर गुरु जी की आनुगत्य अगर कोई करते हुए भगवान की भक्ति करे, कहते वो तभी उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। ऐ जने आमादेर प्रत्येक रही त्रिनादपि सुनीच होगा प्रयोजन। ये लोग प्रभुपाद कहते हैं हमारे प्रत्येक व्यक्ति को क्या होनी चाहिए, बोले त्रिनादपि सुनीच न तररपि सही सुनुना अमानी नांग मान देना कीर्तनिया सदा है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं हर समय तीर्ण से भी ज्यादा दीनहीन बनो, वृक्ष से भी ज्यादा सहन शक्ति और सबको यथा योग्य सम्मान दो, स्वयं सम्मान की भूखे मत बनो। यदि ये 4 गुण में जब कोई गुणी हो जाएगा, तो बोले कीर्तनीय सदा हरि, तब तो हर समय हरि कीर्तन को हम कर सकते हैं। जहर जा चिता छाड़िया दिया निज के गुरु किंकर श्री नामेरे सेवक बलिया जानी नहीं त्रिनादपि सुनिचन। बोले त्रिनादपि सुनिचन मतलब क्या होता है, बोले जिसको जिस चीज है, जिसका जिस चीज है उसको वो चीज को छोड़ दो। छोड़ कर क्या करो, बोले श्री रूपानुगा परंपरा में जो गुरुवर्ग आए उनकी किंकर बन जाओ और भगवान का नाम की सेवक बन करके भगवान की सेवा करो और भगवान की गुरु वैष्णव का अनुगत में ठाकुर जी का भक्ति करो। भक्ति करने पर यही त्रिनादपि सुनिचे ना, ठीक है, निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल ठीक है। जब प्रभु जी जाओ तो पहले उसे बंद करो।